नमस्ते बच्चों, पिछले वीडियो में हमने किशोर अवस्था की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जाना था। जीवन में बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। आज हम मासिक चक्र के बारे में जानेंगे। मासिक चक्र क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमने एक लघु वीडियो आपके सामने दिखाया है। वो लघु फिल्म आप जरूर देखेंगे। किशोर अवस्था से जुड़ी समस्याएं और उनके समाधान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। धन्यवाद। पिछले वीडियो में हमने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जाना था, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक की उम्र को शैशवावस्था, 6 से 10 वर्ष की उम्र को बाल्यावस्था और 11 से 19 वर्ष तक की उम्र को किशोरावस्था, फिर युवा अवस्था और इसके बाद की अवस्था को प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। फिर हमने WHO के अनुसार जाना था कि किशोर अवस्था 10 से 19 वर्ष की युवा अवस्था है, जिसमें शारीरिक, मानसिक व सामाजिक बदलाव होते हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार यह आयु 13 से 19 वर्ष है। अभी हम जानेंगे किशोरों में होने वाले शारीरिक बदलाव। किशोरों में शारीरिक बदलाव, सबसे पहला है तेजी से शरीर के आकार में वृद्धि होना, जैसे कद बढ़ना, लंब अस्थि की वृद्धि, हड्डियों का विकास पूरा हो जाना, सभी अस्थायी दांत आ जाना, त्वचा का तैलीय होना, कंधों की चौड़ाई बढ़ना, मांसपेशियों में विकास, आवाज भारी होना, चेहरे पर दाढ़ी व मूछ का आना, बगल छाती पर बाल आना, जननांगों पर बाल आना, ये तो थे किशोरों में होने वाले शारीरिक बदलाव। किशोरों में यौन विकास भी प्रारंभ हो जाता है, ये लगभग पूरा हो जाता है। प्रमुख यौन विकास में पहला है लिंग एवं अंडकोश का बढ़ना, वीर्य व शुक्राणु का बनना शुरू होना, वीर्य व शुक्राणु का स्खलन होना, संभोग करने की इच्छा जागृत होना, यौन व्यवहार का शुरू होना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, लिंग का सख्त होना। इसी तरह से किशोरियों में भी शारीरिक बदलाव होते हैं, जिसमें सबसे पहला है तेजी से शरीर के आकार में वृद्धि होना, जैसे कद बढ़ना, लंब अस्थि की वृद्धि ठहरना यानी हड्डियों का विकास पूरा हो जाना, सारे स्थायी दांत आ जाना, त्वचा का तैलीय होना, स्तनों का विकास होना, कूल्हों का चौड़ा होना, कमर पतली होना, कांख या बगल में बाल उगना, जननांगों के ऊपर बाल उगना, बाहरी जननांगों में वृद्धि होना। इसके साथ ही किशोरियों में जो यौन विकास होता है उसमें प्रमुख है बाहरी जननांगों के आकार में वृद्धि होना, गर्भाशय एवं अंडाशय के आकार में वृद्धि एवं परिपक्व होना, अंडा परिपक्व होकर फेलोपियन नली में आना, माहवारी का शुरू होना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना एवं इसके बाद हमने एक फॉर्मूला जाना था, जिसमें पूर्ण लंबाई की गणना हम किस प्रकार से करेंगे। तो पूर्ण लंबाई की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर में नाप लेंगे और दिए गए तालिका में मिलान करेंगे कि उम्र के हिसाब से पूर्ण लंबाई का प्रतिशत कितना है। लड़कियों के कॉलम अलग हैं और लड़कों के कॉलम अलग हैं। जैसे रानी की वर्तमान आयु 11 वर्ष है और उसकी लंबाई 160 सेंटीमीटर है। वृद्धि काल की समाप्ति के बाद उसकी अनुमानित लंबाई हमने निकाल करके देखा था। उसके लिए फॉर्मूला है
पूर्ण लंबाई के लिए गणना में वर्तमान लंबाई बराबर वर्तमान लंबाई बटा वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत गुना 100। सर्वप्रथम हार्मोन का पता बेलिस एम स्टार्लिंग ने 1902 में लगाया था और उसकी अवधारणा को 1905 में स्पष्ट किया था। चम्स कहते हैं। देखो देखो तितली बदल रही रंग, होते 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 हो रही पतंग, नई नई सी उठे रे मन में उमंग। टिंकू के घर पे क्या हो रहा है? ऋतु शुद्धि की रस्म हो रही है ऊपर। टिंकू का भी टेस्ट मैच चालू हो गया है। सम पीपल व्हाट दे कॉलिंग चम्स यू नो टेस्ट मैच। गाली लग गई दे रंगीली हो For saving knee from hard ball in cricket, man wearing two pad, one leg. Calling woman problem test match, but no woman, no pad. Yani 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 yani, ladki sayani ho gayi. Much more danger than ball hitting leg and breaking. Lagta hai, ladki sayani ho gayi. Everybody calling Lakshmi mad, but Lakshmi thinking, pad, only pad. Pad. क्रिकेट वाला पैड मुझे भी चाहिए। यानी 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 लड़की सयानी हो गई। हाय लगता है लड़की सयानी हो गई। यानी 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 लड़की सयानी हो गई। में देखा कि क्या कहा, लड़की सयानी हो गई। सयानी का यहाँ क्या मतलब है उसको जानने के लिए हम नेहा की कहानी सुनेंगे। नेहा 7वीं क्लास के छात्रा है जिसकी उम्र है 13 वर्ष। माहवारी के बारे में जानने से पहले हम एक कहानी सुनेंगे। यह 7वीं क्लास की नेहा नाम की लड़की के बारे में है। नेहा 13 वर्ष की छात्रा है और वह 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वह प्रतिदिन नियमित रूप से 2 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करती है। वह पढ़ने में मेधावी होने के साथ साथ नियमित एवं सक्रियता के साथ सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी भाग लेती है। एक दिन वह प्रथम सत्र में भाग लेने के बाद शिक्षक से छुट्टी लेकर घर चली गई। उस दिन वर्ग में वह काफी शांत थी, ना ही किसी से बात की और न ही अपने शिक्षकों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछे। उसकी शिक्षिका के द्वारा पूछे जाने पर उसने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अतः वह घर जाना चाहती है। वर्ग शिक्षिका ने नेहा को छुट्टी दे दी और वह घर चली गई। घर जाने के बाद नेहा की माँ ने उसे जल्दी आने का कारण पूछा तो वह काफी घबराई हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ से क्या कहे। उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं उसे बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। अंत में उसने अपनी माँ से बताया कि विद्यालय में अचानक उसका अंतः वस्त्र खून से गीला हो गया है, जिसके कारण वह काफी चिंतित है और विद्यालय से घर आ गई है। उसने विद्यालय में किसी के साथ बात करना उचित नहीं समझा। यह सुनने के बाद उसकी माँ ने उसे माहवारी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाते हुए कहा कि यह लड़की के जीवन का एक अभिन्न अंग है और प्रत्येक माह इससे गुजरना पड़ता है। माहवारी किशोर अवस्था से शुरू होती है और 45 से 50 वर्ष की उम्र तक जारी रहती है। माहवारी होने का मतलब है कि लड़की
जैविक रूप से मां बनने योग्य हो गई है और गर्भ धारण कर सकती है। इससे समझने की कोई बात नहीं है, एक लड़की के लिए यह सामान्य सी घटना है। इस प्रकार अब नेहा की चिंता कम हुई और वह हमेशा की तरह विद्यालय जाने लगी। माँ के समझाने के बाद उसके जीवन में एक नया बदलाव आया। अब महामारी को लेकर उसके मन में कोई चिंता या घबराहट नहीं थी। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती? क्या नेहा का विद्यालय छोड़कर जाना उचित था? यदि फाइनल परीक्षा होता और इस बीच उसके साथ यह घटना हो जाती तब वो क्या करती? क्या आपको नहीं लगता कि इसके बारे में हमें खुलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि किसी भी लड़की के साथ इस प्रकार की मुश्किल पेश ना आए? तो हम विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। माहवारी में बाल धोना या नहाना गलत है, आचार खाना वर्जित है, रसोई में प्रवेश निषेध है, परिवार के अन्य सदस्यों को छू नहीं सकते, खेल कूद भाग दौड़ आदि करने की मनाही होती है, मंदिर में पूजा करना मना होता है। लेकिन ये सब भ्रांतियां हैं, विज्ञान ने इन सभी को झुठला दिया है। अब हम नियमित रूप से जिस प्रकार रोज रोज नहाते हैं उसी तरह से महामारी के दिनों में भी स्नान कर सकते हैं। महामारी का खून गंदा नहीं होता है। रसोई घर में भी हम प्रवेश कर सकते हैं, आचार छू सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं, मंदिर में पूजा पाठ भी कर सकते हैं। इसे लेकर कोई भी भ्रांति या दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम एक लघु फिल्म देखेंगे। माहवारी क्या है? जब किशोरी अपनी बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश करती है तब उनमें तेजी से शारीरिक बदलाव होते हैं। बदलावों के इस क्रम में किशोरी के शरीर में आंतरिक एवं बाह्य जननांगों में भी बदलाव आते हैं। उनके जननांग जैविक रूप से क्रियाशील हो जाते हैं तथा प्रतिमाह रक्त स्रावित होना प्रारंभ हो जाता है, जिसे माहवारी कहते हैं। माहवारी चक्र लगभग 28 दिनों का होता है। मासिक धर्म के समय किशोरियों के कमर, जांघों एवं पेट के निचले भाग में कभी कभी दर्द होने लगता है। ऐसा मांसपेशियों में खिंचाव या संकुचन के कारण होता है। शुरुआत में माहवारी अनियमित होती है जो बाद में नियमित हो जाती है। माहवारी को लेकर कुछ भ्रांतियां भी समाज में फैली हुई हैं, जिन्हें हमें तोड़ना बहुत ही जरूरी है। जैसे माहवारी का खून गंदा होता है, माहवारी में किशोरावस्था जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, आमतौर पर 10 से 19 बरस की उम्र को कहते हैं किशोरावस्था। यूं तो हमारे शरीर में हर उम्र में बदलाव आते रहते हैं, लेकिन किशोरावस्था में बदलाव तेजी से आते हैं। इन्हीं बदलावों में से एक है महावारी या मासिक धर्म। कई परिवारों में घरों में दादी नानी, माँ, बड़ी बहन और अन्य महिलाएं लड़कियों को माहवारी के बारे में कुछ न कुछ जानकारी जरूर देती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी ऐसे कई परिवार हैं जहां इस बारे में कभी कोई बात नहीं होती। बच्चियों को कुछ समझ ही नहीं आता है कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। उनके सवालों का समाधान नहीं मिलता और यहीं से
महावारी के बारे में गलत फहमियों की शुरुआत होती है। एक जैविकीय प्रक्रिया होने के बावजूद मासिक धर्म के रक्त को अशुद्ध माना जाता है और मासिक धर्म के दौरान किशोरी बालिकाओं व महिलाओं को पूजा, रसोई और अन्य स्थानों में जाने से मना किया जाता है। यही नहीं, सही जानकारी के अभाव में मासिक धर्म वाले दिनों में कई किशोरी बालिकाएं स्कूल जाना भी छोड़ देती हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। आज विज्ञान ने इन सभी धारणाओं को गलत साबित कर दिया है और हमें ये बताया है कि मासिक धर्म पूरी तरह से एक सामान्य और स्वस्थ जैविकीय प्रक्रिया है। इसलिए जरूरी है कि आप भी इस बारे में पूरी जानकारी लें और भ्रांतियों को दूर करें। महावारी एक जैविकीय प्रक्रिया है। लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत आमतौर पर 10 से 13 साल में शुरू होती है। हर लड़की में ये अलग अलग समय पर शुरू होती है। हर महीने किशोरियों का अंडकोश गर्भ ठहरने के लिए एक अंडा तैयार करता है। बच्चेदानी की भीतरी परत भी इसके लिए तैयार रहती है। लेकिन जब शुक्राणु से अंडे का मेल नहीं होता तो लड़की का अंडा और बच्चेदानी की भीतरी परत दोनों महावारी के रूप में शरीर से बाहर आ जाते हैं। हर लड़की में इसके होने का समय अलग अलग होता है। किसी में 3 दिन तो किसी में 7 दिन तक ये स्राव हो सकता है। एक महावारी के पहले दिन से अगली महावारी के पहले दिन के बीच के समय को एक मासिक चक्र के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर यह 28 दिनों के लिए रहता है, लेकिन ये हर लड़की में अलग अलग हो सकता है। ये 22 से 45 दिन का भी हो सकता है, जिसमें चिंता की कोई बात नहीं। एक बात और, शुरू के 2-3 साल तक महावारी अनियमित हो सकती है, कुछ सालों बाद ये नियमित हो जाता है। 16 वर्ष तक अगर किसी लड़की को महावारी नहीं शुरू हुई है तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मासिक के दौरान दर्द होना, जी मिचलाना या मरोड़ उठना आम बात है। ऐसे में गर्म पानी की सिकाई से आराम मिलता है। कई बार ज्यादा बहाव होने के कारण लड़कियों को ज्यादा दर्द भी हो सकता है। यदि ज्यादा बहाव, दर्द या थकान हो तो तुरंत ANM बहन जी या स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। महावारी के साथ ही लड़कियों के शरीर में बदलाव आने लगते हैं। उनकी हाइट बढ़ती है, उनका वजन बढ़ता है, स्तनों का आकार बढ़ता है। हाँ, एक बात और, सब लड़कियों में शारीरिक बदलाव एक जैसे और एक ही समय पर नहीं होते हैं। महावारी के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित सैनिटरी समाधान सैनिटरी नैपकिन ही है। यही नहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की पहल से अब आंगनवाड़ी केंद्रों, कन्या छात्रावासों में सैनिटरी पैड के विक्रय के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं, जहां से कोई भी बालिका या महिला सैनिटरी पैड खरीद सकती है। आज कस्बों और शहरों, लगभग सभी फार्मेसियों और जनरल स्टोर में विभिन्न कंपनियों के सैनिटरी पैड विभिन्न साइजों में उपलब्ध हैं। कई स्वयं सहायता समूह भी कम दाम पर अच्छी गुणवत्ता वाले सैनिटरी पैड तैयार कर विक्रय कर रहे हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इन सैनिटरी पैड का उपयोग कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में उदिता पाउडर बनाए गए हैं, जहां सैनिटरी नैपकिन्स और IFA की गोलियां आदि उपलब्ध होती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सैनिटरी नैपकिन्स का डिपो होल्डर बनाया गया है। उदिता कॉर्नर में हम सैनिटरी नैपकिन किशोरी बालिकाओं को उपलब्ध कराते हैं, जिससे वो सहज तरीके से अपनेपन के वातावरण में बिना संकोच के आकर ले सकें और महावारी से जुड़ी जानकारियां भ्रांतियों को दूर कर सकें। यूज एंड थ्रो किस्म के होने के कारण एक नैपकिन का उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है। इसे नदी, तालाब, नाली या शौचालय में ना फेंकें। ये नदी तालाब के पानी को गंदा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पैड को एक अखबार में लपेट कर इसे जला दें। लेकिन यदि किसी कारण से सैनिटरी पैड उपलब्ध नहीं है तो आप इसके स्थान पर एक साफ सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकती हैं। मासिक धर्म प्रवाह के आधार पर समय समय पर इस सूती कपड़े को लगभग
हर 4 से 8 घंटों में बदलते रहना चाहिए। यदि इन कपड़ों का पुनः उपयोग किया जाना हो तो इन्हें साफ गर्म पानी और साबुन से अच्छी तरह से धोकर सीधे तेज धूप में ही सुखाना चाहिए। गंदा और नमी भरा कपड़ा उपयोग में लेने पर जलन, सूजन और संक्रमण हो सकता है। ये तो हुई बात मासिक धर्म के सुरक्षित प्रबंधन की, और आइए अब हम जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान हमें और कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। हर बार कपड़ा या नैपकिन बदलने के बाद अपने हाथ साबुन से ही धोना चाहिए। हर रोज नहाना चाहिए और अपने शरीर के हर अंग को साफ करना चाहिए। मासिक धर्म में शरीर से खून का बहाव होता है, इसलिए लौह तत्वों से भरपूर संतुलित भोजन करना चाहिए जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल हो। मासिक धर्म के समय खान पान पर यदि ध्यान देती हैं तो उनका हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ेगा। और कैसे उनको सावधानी रखना है, स्वच्छता कैसी रखना है मासिक धर्म के समय, ये सब जानकारी हम लोग उनको देते हैं। अपना BMI समय समय पर जांचते रहना चाहिए और आंगनवाड़ी से मिलने वाली आयरन फोलिक एसिड की गोली जरूर खाते रहना चाहिए। तो ये आयरन फोलिक एसिड टेबलेट इसीलिए बनी है ताकि जो कमी हो गई आयरन की आपके शरीर में, इसकी ये पूर्ति कर सके। अब तो आपने ये जान ही लिया है कि महावारी क्या होती है, हमें इसमें क्या क्या करना चाहिए। आप स्कूल जा सकती हैं, घर के सभी काम कर सकती हैं और आप खेल भी सकती हैं। तो आपने तो ये पूरी जानकारी ले ली, अब आप अपनी सहेलियों और आसपास की महिलाओं को भी महावारी के बारे में ये पूरी जानकारी जरूर दें। सबको बताएं कि महावारी के बारे में खुलकर बात करना ही इसकी जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा विकल्प है। कैसे होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। 23 जोड़ा गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होता है 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होता है, जिसे हम कायिक गुणसूत्र कहते हैं। और जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, उस 23वां जोड़ा गुणसूत्र में या तो गुणसूत्र एक समान होता है, जिसे हम XX के द्वारा दर्शाते हैं, जो कि मादा को दिखलाता है यानी माता, और नर में एक जोड़ा गुणसूत्र अलग होता है जिसे हम Y से दर्शाते हैं, यानी नर में जो गुणसूत्र होगा उसको हम किसे दर्शाएंगे, X और Y यानी पिता। तो जब शिशु का जन्म होता है तो आधे गुणसूत्र माता से प्राप्त होते हैं और आधे गुणसूत्र पिता से प्राप्त होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि माता में सभी गुणसूत्र एक समान है, जिसे हम XX से दर्शाए हैं, और पिता में दो तरह के गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ा तो कायिक गुणसूत्र होता है, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो अलग होता है, और लिंग के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वही अदा करता है। जबकि हमारे समाज में ये भ्रांति है कि महिलाएं ही नर या मादा शिशु के लिए उत्तरदायी होती हैं। अगर किसी महिला की बार बार लड़कियां पैदा होती हैं तो उसे ही दोष दिया जाता है, जबकि इसमें माता का कोई भूमिका नहीं होता है। वह नर शिशु और मादा शिशु दोनों को समान रूप से संपोषित करती है। तो नर और मादा शिशु के जन्म के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी पुरुष होता है। अब हम देखेंगे कि माता और पिता के किस प्रकार से अंडाणु और शुक्राणु निषेचित होते हैं। अगर पिता का X गुणसूत्र
माता के एक्स को सूत्र से निषेचित होता है और उसे जो युग्मज बनता है वह उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है एक्स एक्स और वह शिशु लड़की होगी। इसी प्रकार से यदि अगर माता का गुणसूत्र का एक्स और पिता का गुणसूत्र वाई दोनों निषेचित होकर के युग्मज बनाता है तो उस स्थिति में जो शिशु पैदा होगा वह होगा लड़का। उसी तरह से पहले का एक्स दूसरे का एक्स यानी एक्स एक्स लड़की शिशु होगी, पहले का वाई पिता का वाई और माता का एक्स तो जो शिशु होगा उसका गुणसूत्र होगा एक्स वाई यानी लड़का। कहने का अर्थ है कि 50% चांस होता है लड़का और 50% चांस होता है लड़की का। तो ये था मनुष्य में किस प्रकार से लिंग निर्धारण किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि किशोर अवस्था में किस प्रकार के पोषक तत्व हमें खाने चाहिए। पेज नंबर 64 में जो तालिका दिया हुआ है सारणी 5.3 इसमें आप देख सकते हैं कि शारीरिक विकास में विभिन्न प्रकार के जो आहार हैं कैसे भूमिका अदा करते हैं। तो शक्ति देने वाले आहार हैं चावल गेहूं ज्वार बाजरा मकई मड़ुआ और इनसे तैयार पदार्थ जैसे सेवई चूड़ा सूजी दलिया रोटी ब्रेड बिस्कुट आदि सभी अनाज आलू शकरकंद चीनी गुड़ शहद और मधु। शरीर की वृद्धि व विकास वाले आहार हैं दालें चना सोयाबीन मूंगफली दूध लस्सी पनीर दूध से बनी वस्तुएं जैसे खोआ आइसक्रीम आदि अंडा मुर्गा मांस मछली। बीमार से सुरक्षा देने वाले आहार हैं हरी सब्जियां पत्तेदार सब्जियां व फल। तो इन सब बातों को हमको ध्यान देना चाहिए ताकि किशोर अवस्था में जो हमारी शारीरिक लंबाई बढ़ती है मानसिक विकास होता है उसके लिए पौष्टिक भोजन हमें पूर्ण रूप से उपलब्ध हो सके। आगे हम इसी में जानेंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा कौन कौन से किशोरियों के लिए उपाय किए गए हैं। तो 2013 में यूनिसेफ द्वारा जो अध्ययन किया गया उसमें पाया गया कि झारखंड राज्य में 28% किशोरियां सैनिटरी पैड का उपयोग करती जबकि 62% उसमें से 62% किशोरियां इसे जमीन में गाड़ देती हैं, जबकि 26% इसे खेतों और तालाबों के खुली जगहों में फेंक देती है। इस तरह से इसे फेंकना अस्वास्थ्यकर है एवं वातावरण को प्रदूषित करता है। इसके लिए झारखंड सरकार ने क्या कदम उठाए हम जानेंगे। सबसे पहला है विद्यालयों में सैनिटरी पैड का निशुल्क वितरण किया जा रहा है। उपयोग किए गए सैनिटरी पैड के उचित निपटान के लिए भस्मीकरण यंत्र या इंसिनेरेटर्स का व्यवस्था किया जा रहा है। साधारण इंसिनेरेटर में शौचालय से लगी व्यवस्था होती है। शौचालय के अंदर की दीवार से खुला स्थान बनाया जाता है जिसके बाहरी ओर से दीवारें खड़ी कर घेर दी जाती हैं। खुले स्थान के बाहरी ओर में जाली लगी होती है। अंदर के खुले स्थान से सैनिटरी पैड डाली जाती है जो जाली में जमा होती है। जाली के नीचे के खुले भाग से आग लगाने की व्यवस्था होती है और समय समय पर आग लगाकर पैड को भस्म कर दिया जाता है। तो अगले बार से सभी लड़कियां ध्यान देंगे खुले में कोई भी सैनिटरी पैड न फेंके। जब भी फेंकना हो तो उसे न्यूज़पेपर में अच्छी तरह लपेट करके कूड़ेदान में डालें या तो फिर उसको अच्छी तरह से जला दें। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। इसके अलावा हमारे विद्यालय में साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड संपूरक कार्यक्रम के अंतर्गत एनीमिया और उससे संबंधित लक्षणों के बारे में बताया जाता है और बच्चियों के बीच में फोलिक एसिड दवा का वितरण किया जाता है। ऐसे बच्चों को भी चिन्हित किया जाता है जिसमें एनीमिया के लक्षण हैं और उनके खून की जांच भी करवाई जाती है। एनीमिया क्यों होता है?
भोजन में लौह तत्व अवशोषण की कमी से एनीमिया होता है। इस रोग में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। सामान्यतः पुरुष के रक्त में 14 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर एवं स्त्री के रक्त में 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन आने पर उत्पन्न होती है। एनीमिया से बचाव के लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। इसके अलावा हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे सफाई नाखून काटना, शौच संबंधी सफाई, मुंह व दांतों की सफाई, नाक और कान की सफाई, अपने आंतरिक वस्त्रों एवं अंगों की नियमित सफाई करनी चाहिए ताकि जीवाणुओं के संक्रमण का खतरा कम। शारीरिक व्यायाम और योग के लिए हमको क्या करना चाहिए? ताजी हवा में टहलना चाहिए। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जो भी किशोर किशोरियां हैं उन्हें एड्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। एड्स क्या है? एक HIV नामक खतरनाक विषाणु से उत्पन्न होता है जिसमें हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जैसा कि अभी कोरोना वायरस आया है। कोरोना वायरस में भी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और यह हमारे कई महत्वपूर्ण अंगों पर अटैक करने लगता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो जब तक नहीं आते हैं तब तक के लिए आपको धन्यवाद।